please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Hi, मैं हूँ हरी। अरे सुबह से काम कर करके थकते नहीं आप? अब थोड़ी पेट पूजा भी कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है आज लंच बॉक्स में। लंच बॉक्स की आज की सबसे टेस्टी डिश है सलमान और कटरीना से जुड़ी। सलमान ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें फिल्म भारत के लिए सुंदर सुशील लड़की के तौर पर कटरीना कैफ मिल गई हैं। और लंच बॉक्स में मसालेदार तड़का लगाएंगे अक्षय कुमार, जिन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि अपनी बायोपिक बनाना उन्हें बेवकूफी भरा काम लगता है। अक्षय ने बताया कि वो रियल हीरोज पर बायोपिक बनाना चाहते हैं, ना कि रील हीरो पर। इंतजार इंतजार इंतजार, कुछ डिशेस का स्वाद जबान पर ऐसा बस जाता है कि उसे बार बार खाने का इंतजार रहता है। खैर, फिलहाल सलमान खान के लिए इंतजार की घड़ियां पूरी हो गई हैं। खुद सलमान ने ट्वीट कर जानकारी दी कि एक सुंदर सुशील लड़की की तलाश खत्म हो गई है। सलमान की जोड़ी बन ही गई। जोड़ी भी उन्हीं कटरीना के साथ बनी जिनका नाम अक्सर सलमान से जोड़ा जाता है। तो निर्माताओं और निर्देशक के साथ सलमान की भी पहली पसंद के रूप में सामने आया कटरीना कैफ का नाम। फिल्म भारत में सलमान और कटरीना की जोड़ी के बारे में अटकलें तो पहले ही लगने लगी थी, लेकिन अब खुद सलमान ने ट्वीट कर उस पर मुहर लगा दी। एक सुंदर और सुशील लड़की जिसका नाम है कटरीना कैफ, स्वागत है आपका भारत की जिंदगी में। इसी साल 6 फरवरी को किए गए सलमान के उस छोटे से ट्वीट ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया और लोग कयास लगाने लगे थे कि सलमान को असल जिंदगी में लड़की मिल गई। लेकिन बाद में पता चला कि सलमान का वो ट्वीट लवरात्रि फिल्म की हीरोइन मिलने पर था। और अब एक बार फिर सलमान ने ट्वीट कर लड़की मिलने का ऐलान किया और धीरे से उसे फिल्म भारत से जोड़ दिया। जैसे ही ये साफ हुआ कि भारत में सलमान की जोड़ी कटरीना के साथ ही बनेगी, उसी के साथ भारत में सलमान का लुक भी सामने आ गया, जिसमें उनका हेयर स्टाइल 70 के दशक के हीरो जैसा होगा। चर्चा है कि सलमान इस फिल्म में 60 साल की उम्र तक के बुजुर्ग की भूमिका में नजर आएंगे। सलमान की भारत एक आम आदमी की खास कहानी होगी, जो दक्षिण कोरियाई फिल्म ओ टू माई फादर से प्रेरित हो। फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर का दावा है कि भारत में सलमान जैसी भूमिका में होंगे वैसे पहले कभी नहीं दिखे होंगे। इन भारत ही अब जब ये साफ हो चुका है कि फिल्म भारत में प्रियंका की जगह कटरीना ने ले ली है, तो सलमान और कटरीना के फैंस को भी एक बार फिर दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने का इंतजार रहेगा। ये डिश तो आपको बहुत पसंद आई होगी, लेकिन लंच बॉक्स में अब बात मजाक किरकिरा करने वाले खाने की। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में मेहरू निशा का किरदार निभाने वाली अदिति राव हैदरी ने बताया कि कैसे उनकी फिल्मी करियर की दाल में उन्हें कास्टिंग काउच नाम के कंकड़ का सामना करना पड़ा। अदिति ने बताया, मैं भी इन हालातों से गुजर चुकी हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। इस वजह से मेरा काम भी छूट गया, जिसको लेकर मैं रोई भी थी। मुझे इसको लेकर कोई पछतावा नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए रोई क्योंकि ये सच था और लोग लड़कियों के साथ इस तरह से पेश आते हैं। मैं हैरान थी कि कोई मुझसे इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है। इस घटना के बाद 8 महीने तक मुझे काम नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि इस फैसले ने मुझे अपने काम के बारे में अपने इरादों को लेकर और मजबूत बनाया। साल 2013 मेरे लिए मुश्किल भरा रहा, क्योंकि इसी साल मैंने अपने पिता को खोया था, लेकिन 2014 से सब कुछ ठीक होता नजर आने लगा था। कभी कभी हम सभी को ऐसे हालात से निपटने, उससे बाहर निकलने और इसके साथ बहुत धैर्य की जरूरत होती है। आपको जब कोई डिश कुछ खास पसंद नहीं आती तो आप सुझाव नहीं देते कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाना चाहिए था? अक्षय कुमार ने भी कुछ ऐसा ही किया है, संजय दत्त पर बनी बायोपिक पर तंज का तड़का लगाकर। हिंदी सिनेमा में बायोपिक का जलवा, एक के बाद एक लगातार बायोपिक। पहले मिल्खा सिंह पर बनी भाग मिल्खा भाग हिट हुई और उसके बाद फिल्म मैरी कॉम और फिर MS धोनी ने बड़े पर्दे पर नामी खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानी लोगों तक पहुंचाई। लेकिन अक्षय कुमार ने एक बयान में इस पर तंज भी कस दिया। एक इंटरव्यू में अक्षय ने कहा,
मैं मूर्ख होऊंगा अगर मैं अपने आप पर बायोपिक बनाऊंगा। मैं कभी भी इसके बारे में सोचना नहीं चाहूंगा। ये मेरे लिए एक उथल पुथल वाली चीज होगी। मैं असली हीरो पर बायोपिक बनाना चाहता हूँ, ना कि फिल्मी हीरो पर। अक्षय इससे पहले भी कह चुके हैं कि वो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाली एथलीट हिमा दास के नाम पर फिल्म बनाना चाहेंगे, जिन्होंने कुछ दिन पहले फिनलैंड में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और एथलेटिक्स में पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली भारत की खिलाड़ी बनी। I would like to make on Hima Das because she is a track runner and it is something very new which I saw. I thought I may say somebody coming and winning a gold medal in track. इस तड़के के बाद लंच बॉक्स में अब बात सरप्राइज की, जो देंगी आमिर खान की रियल लाइफ बेटियां गीता और बबीता। कुछ ऐसा ही होगा जब आप गीता और बबीता का डांस देखेंगे, जिसे देखने के बाद आप दंगल के अखाड़े में उनकी कुश्ती भूल जाएंगे। में आमिर खान की बेटियों गीता और बबीता का किरदार निभाने वाली फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा का एक साथ डांस। ये डिश तो वाकई लजीज थी, और लजीज खाने के साथ जो डेजर्ट होता है ना, वो किसी फैशन शो के शो स्टॉपर जैसा होता है। उससे याद आया, सलमान खान के फैंस के लिए एक खास डेजर्ट है हमारे पास। तो खबर है कि सलमान मनीष मल्होत्रा के एक फैशन शो में शो स्टॉपर होंगे। Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में बिजी सलमान खान जल्द ही रैंप पर नजर आएंगे। खूबसूरत लिबास में सलमान रैंप पर अपने जलवे बिखेरेंगे। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि 1 अगस्त को उनके इंडो पर्शियन कलेक्शन को पेश करने के लिए सलमान खान रैंप पर उतरेंगे। और इस फैशन शो की खास बात होगी कि इसमें सलमान खान के साथ कटरीना कैफ भी नजर आएंगी, यानी कि लंबे समय के बाद कटरीना कैफ और सलमान खान एक साथ रैंप पर दिखेंगे। वैसे तो बहुत कम ही मौका होता है कि जब सलमान रैंप पर दिखाई देते हैं, लेकिन जब बात उनके एनजीओ से जुड़ी हो तो उनका साथ देने के लिए दूसरे एक्टर भी रैंप पर पहुंच जाते हैं। शूटिंग में बिजी रहने वाले सलमान और दूसरे एक्टर समय मिलने पर विज्ञापन फिर फैशन शो से अच्छी कमाई कर लेते हैं। सलमान के अलावा करीना भी समय समय पर कई फैशन शो में दिखाई देती हैं। हाल ही में हुए एक फैशन शो में करीना का गोल्डन लुक चर्चा में रहा। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीना ने करीब 30 किलो का लहंगा पहन रखा था, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्हें इस लहंगे को संभालने में दिक्कत हो रही हो। करीना कपूर जैसे ही रैंप पर उतरी, सभी की निगाहें उन पर ठहर गईं। ट्रेडिशनल लुक में करीना बेहद खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लग रही थी। करीना के साथ ही कंगना रनौत भी लंबे समय के बाद रैंप पर दिखाई दी। कंगना फैशन डिजाइनर अंजू मोदी के लिए शो स्टॉपर बनी। इस फैशन शो में कंगना के विक्टोरियन एरा के ब्राइडल लुक की खूब तारीफ हो रही है।